तो कैसे आप सब। आई होप यू गाइस ऑल वेल। इस वीडियो में हम बात करने वाले अर्णब गोस्वामी के बारे में। जी दोस्तों, अनुराग कश्यप और कुणाल कामरा जो कि एक बहुत बड़ा कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने बनाया एक अवार्ड जो कि अर्णब गोस्वामी देने के लिए। हाँ जी दोस्तों, एक चप्पल अवार्ड बनाया जो कि अर्णब गोस्वामी को देने के लिए। अब क्या पूरी स्टोरी है, पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो देखने के लिए। अनुराग कश्यप जो कि एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर और कुणाल कामरा जो कि एक बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन, तो दोस्तों अनुराग कश्यप के बर्थडे के दिन उन दोनों अर्णब गोस्वामी को एक अवार्ड देने के लिए तैयार हुआ था, जो कि रिपब्लिक डे का जो ऑफिस है वहाँ पे भी पहुँच चुका था। तो दोस्तों ये चप्पल लेके रिपब्लिक डे के ऑफिस में जब पहुंचा, तब कोई परमिशन नहीं था अर्णब गोस्वामी के साथ मिलने के लिए। तो इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर घुसने के लिए मना कर दिया और ये पिक्चर अनुराग कश्यप की सोशल मीडिया जब भी शेयर किया तो ट्रोल के सामने पड़ गया और काफी लोग ये चीज लेके ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब सब लोग जानते कि पूरी इंडिया जुड़कर खुलासा करने के लिए जैसे कंगना रनौत उठ के आया, जैसे अर्णब गोस्वामी उठ के आया, जैसे अंकिता लाखिंडे की जैसी काफी अच्छा अच्छा स्टार ने उठ के आया, ये साल में होता क्या है ये सब बताने के लिए। तो एक तरफ अर्णब गोस्वामी को भी बता सकते कि खुलासा करने के लिए, तो अर्णब गोस्वामी को ये अवार्ड देने के लिए गया था और खुद ट्रोल हो गया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अनुराग कश्यप की 48 बर्थडे एनिवर्सरी था इसी थर्सडे। कुछ दिन पहले अनुराग कश्यप का नाम भी उठ के आया था कि ये ड्रग्स के साथ अटैच हुए। हम जिस भारत में रहते हैं यहाँ पे खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का आजादी लोगों के पास है, लेकिन इतना भी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में कुछ भी कर दोगे, कुछ चप्पल के अवार्ड तक दे दोगे, ये तो नहीं हो सकता। आपका क्या कहना, आप किस तरफ है, अनुराग कश्यप की तरफ या अर्णब गोस्वामी की तरफ, जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।